हेलो गाइज, आज हम आपके साथ शेयर करेंगे कुछ ऑर्गेनाइज़र की वीडियो और लॉन्ड्री बास्केट बनाने का एक बहुत ही सिंपल सा वीडियो, जिसे देखकर के आप बिना सुई धागे के भी ऑर्गेनाइज़र बना सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बनाएंगे लॉन्ड्री बास्केट और उसके बाद मैं आपको बताऊंगी स्टेप बाय स्टेप ऑर्गेनाइज़र, क्लॉथ ऑर्गेनाइज़र बनाने का एकदम से सरल तरीका। चलिए शुरू करते हैं, आसानी से बना सकते हो। तो देखिए, सबसे पहले मैंने ये लिया प्लास्टिक आटे वाली थैली लेनी आपको, और इसकी जो देखिए 36² 22 का हमने लिया है, तो इसको कट कर लेंगे। जो भी एक्स्ट्रा पार्ट्स है उसको हम निकाल देंगे प्लास्टिक की, और इसकी लंबाई लेंगे हम 22, और इसकी जो चौड़ाई ली है वो मैंने ली है 18 इंच, यानी 36 इंच की हो गया है डबल में। अब इसके बिल्कुल बराबर में हम अपना ब्लाउज पीस लेंगे। जो भी आपके पास में बची हुई ब्लाउज पीस है, जिसे आप ब्लाउज नहीं बनाते हो तो आप उसका यूज कर सकते हैं। तो ये देख सकते हैं आप, मैंने ये ब्लाउज पीस लिया है और इसको इसके ऊपर ऐसे लगा देना है और एक सिलाई लगा देंगे। तो इसको चारों तरफ में एक सिलाई लगा करके इसको हम तैयार कर लेते हैं। तो मैंने इसकी, आप देख सकते हैं, मैंने चारों तरफ एक सिलाई लगा दी है और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम काट करके अलग कर लेंगे। तो ये जो साइड से एक्स्ट्रा पार्ट से इसको हम निकाल लेंगे और इसके हम बेल्ट बना लेंगे। तो इसके दो बेल्ट आसानी से बन जाएंगे। तो चलिए इसको हम निकाल लेते हैं कट करके। तो ये जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम कट कर लेंगे, और जो साइड से थोड़ा ज़्यादा निकलेगा ना उसके हम दो बेल्ट बना लेंगे। तो बेल्ट बड़े या छोटे आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हो। वैसे मैंने इसको 16 या 18 इंच के बनाने हैं, तो उस हिसाब से ये जो लेयर निकल रही है इसी से हम दो बेल्ट बना लेंगे। तो इसके अंदर आप यही वाला जो प्लास्टिक मैंने यूज किया आटे की थैली वाला, वही प्लास्टिक हम यूज करके और जो दो बेल्ट तैयार कर लेंगे। तो इसके हम दो पार्ट्स करेंगे और इस तरह बीच में ये प्लास्टिक रख करके और हम इसको ऐसे फोल्ड करके ऐसे बेल्ट तैयार कर लेंगे। मैंने दोनों देख सकते हो, मैंने दो बेल्ट तैयार कर लिए हैं और अब हमें इन बेल्ट को इस तरह से लगाना है। तो इसको पहले अपना मिडिल सेंटर बना लें। मिडिल सेंटर बनाने के बाद में आप इस दो बेल्ट को बीच के पार्ट्स में ऐसे, तो यहाँ पे बीच पे भी मैंने एक पॉइंट लगा दिया है और यहाँ पे हम इस ये जो बेल्ट है वो लगा देंगे। तो एक बेल्ट हम इस तरह से लगाएंगे। देखिए ये जो सेंटर का पॉइंट हमने लगाया, इसके लगभग 2-2 इंच की दूरी से ये दोनों बेल्ट हम यहाँ पे स्टिच कर देंगे। एक बेल्ट यहाँ ऊपर की जो साइड है वहाँ पे लगाएंगे और एक जो नीचे हमने पॉइंट लगाया था यहाँ पे लगा देंगे। तो ये दोनों बेल्ट लगा करके एक एक सिलाई हम इस पर लगा देते हैं। पहले आल पिन्स लगा देंगे, उसके बाद में हम इस पर सिलाई लगा देंगे। तो ये बेल्ट मैंने दोनों, आप देख सकते हो, लगा दिए हैं। अब इसका ऊपर का जो बेस होता है ना वो तैयार कर लेते हैं। तो उसके लिए मैंने लिया है ये ब्लाउज का रद्दी जो होता है, जिससे हम ब्लाउज नहीं बना रहे हैं। तो ये लहरी की साड़ी का ब्लाउज था, मैं इससे ब्लाउज नहीं बनाती क्योंकि बहुत सारे पतले कपड़े होते हैं। तो इसको मैंने 10 इंच की चौड़ाई से और कट कर लिया है। अब इसकी लंबाई हमें 36 रखनी है, उससे जो एक्स्ट्रा है उसको हम कट करके निकाल देंगे। तो 36 मैंने रख लिया, बाकी का जो एक्स्ट्रा है उसको मैंने निकाल दिया है। अब इसको हमें इसके ऊपर, पहले इसको ऊपर से थोड़ा फोल्ड कर लेना है। तो आप इसको 36² 10 का रखें, उसके बाद में जो एक्स्ट्रा है उसको हम निकाल देंगे। तो मैंने निकाल दिया है और अब इसको ऊपर की साइड में है ना ऐसे 3 इंच पे एक पॉइंट लगाएंगे और 3 इंच हम इसको फोल्ड कर देंगे। तो ये डोरी डालने के लिए हम उसके ऊपर की साइड में फोल्डिंग मैंने हाथों से कर दी है। अब ये जो पट्टी है इसको हमें ऊपर की साइड में एक स्टिच लगा देनी है। तो जहाँ पे हमने हैंडल लगाए थे ना, वहीं पे हैंडल के ऊपर ऊपर एक सिलाई इसकी लगा देंगे। तो आप देख सकते हो मैंने एक सिलाई लगा दी है और अब इसको हम सीधा करके और ऊपर से एक सिलाई और लगा देंगे। तो ऊपर से बैठने वाली एक सिलाई आप और लगा दीजिए। तो इसको इस तरह से पकड़िए, अंदर की ओर फोल्ड कीजिए और ऊपर की साइड में एक सिलाई लगा दीजिए। तो यहाँ पे मैं इसके ऊपर की साइड में एक सिलाई लगा देती हूँ। तो देख सकते हैं आप कि प्लास्टिक को, जो आटे की थैलियाँ होती हैं, जो बचे हुए ब्लाउज पीस होते हैं ना, उनका इस्तेमाल करके आप ऑर्गेनाइजर बना सकते हो।
तो ये क्लॉथ ऑर्गेनाइजर आपको कैसे लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब देखिए ये इस तरह की जो पट्टी होती है ना 7 इंच की रह गई है और 10 इंच की हमने ली थी। अब इसको इस तरह से आपको डबल फोल्ड करना है। ऊपर की जो ओपन साइड है जहाँ पे हम डोरी डालेंगे इसको आप ऐसे ही छोड़ दीजिए थोड़ा सा लगभग 1 से 1.25 इंच का, और उसके बाद नीचे तक इसको बराबर करते हुए एक सिलाई लगा दीजिएगा। तो मैं इसको बराबर करते हुए एक सिलाई लगा देती हूँ। तो आप देख सकते हैं मैंने एक सिलाई लगा दी है, ऊपर से थोड़ा सा मैंने ओपन रख लिया जहाँ पे हम डोरी डालेंगे। अब नीचे का बेस जो है वो तैयार कर लेते हैं। तो सबसे पहले एक प्लास्टिक कटिंग करेंगे और उसके बाद में उसको कपड़े से कवर कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने प्लास्टिक कटिंग कर लिया है और इसको हम इस तरह से 5 इंच के पॉइंट लगाते हुए और इसको हम तैयार कर लेते हैं। 5 या 5.5 के आप पॉइंट लगाएंगे तो ये बिल्कुल उसे बराबर होगा। तो आप इस तरह से इसको कट कर लीजिए गोल गोल राउंड में। तो 4 फोल्ड का करके मैंने 5-5 इंच के पॉइंट लगाए और इस तरह से हमें इसका नीचे का बेस तैयार करना है। तो आप चाहे तो इस यूसी फैब्रिक को तैयार कर सकते हैं, आप चाहे तो दूसरा कपड़ा भी ले सकते हैं यहाँ पर। तो इस तरह का आपको बेस तैयार करना है। ये बेस थोड़ा छोटा हो गया, मैंने थोड़ा सा 1/2 इंच कम कटिंग किया था, तो इसलिए मैं ब्लैक कलर का इस पर कपड़ा लगा करके दूसरा बेस तैयार कर रही हूँ। और यहाँ पे मैं इस पर पाइपिंग लगा देती हूँ, जहाँ पे कॉर्नर पे सिलाई है ना वहाँ पे आप जो बची हुई पट्टी हो उससे आप पाइपिंग लगा सकते हैं। तो ये वाला जो मैंने बेस बनाया था ना सेम मैचिंग का ऊपर और नीचे का, वो ये वाला बेस थोड़ा छोटा रह गया है तो मैं इसकी जगह पे दूसरा बेस बना रही हूँ। तो इस बेस को मैंने हटा दिया है और ये देखिए ब्लैक कलर का मैंने बेस तैयार करके इस पर आलपिन से इसको कवर कर लिया है। पहले आलपिन लगा करके कवर करें, फिर एक सिलाई लगाई, उसके बाद मैंने पाइपिन लगा दी। अब इसको हम सीधा कर लेते हैं। तो देखिए ये नीचे का बेस कुछ इस तरह का हो गया है। तो ये मैंने जो पहले वाला था वो थोड़ा छोटा हो गया, तो मैंने ब्लैक कलर का बेस नीचे का तैयार कर लिया सेम वैसा ही। और अब इसके अंदर हम डोरी डाल देते हैं। तो ये मैंने डोरी डाल दी। अब डोरी जैसे ही आप खींचेंगे ना तो ये कुछ इस तरह का हो जाता है। अब आप इसके अंदर खूब सारे जो कपड़े हैं वो डाल सकते हैं। तो ये नीचे बेस में लगाने के लिए मैंने कार्डबोर्ड का कटिंग किया था, पेपर का कार्डबोर्ड कटिंग करके आप नीचे तले में लगा दीजिए और उसके बाद आप चाहे जितने सारे इसके अंदर कपड़े डाल करके और रख सकते हैं। तो ये देखिए कितना बड़ा सारा और बिल्कुल फ्री में घर पे बनकर के रेडी हो जाता है। तो मार्केट से लेकर आएंगे वो आपके इतना नहीं चलेगा, इसको आप धुलाई भी कर सकते हो, ये धूप भी जाता है। और कार्डबोर्ड निकाल करके और इसके अंदर फिर से आप सारे कपड़े अपने घर के डाल सकते हो। जितने भी धोने कपड़े हो आप इसके अंदर डाल करके रख दीजिए, जब भी आपको वॉशिंग मशीन चलाना हो तो सारे कपड़े निकाल करके आप उसको वॉश कर सकते हो। तो इस तरह से बहुत सारे कपड़े भी इसके अंदर आ जाते हैं और ये ख़राब भी नहीं लगता, तो ये घर में पड़ा भी अच्छा लगता है। तो आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मैं इसको बाथरूम के पास में रख देती हूँ। इसी तरह से आप भी अपने घर पे सिंपल तरीके से ऑर्गेनाइजर बना सकते हो। खूब सारे कपड़े इसके अंदर आ जाते हैं, कम से कम 15 कपड़े मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं और अभी भी इसके अंदर स्पेस काफ़ी है। तो आप चाहे जितने सारे घर की जितनी साड़ियाँ हो, आपके धोने कपड़े हो, आप उसको डाल करके और एक साइड में रख सकते। तो ये हमारी लॉन्ड्री बास्केट तैयार हो गई है। तो चलिए हम और क्लॉथेज ऑर्गेनाइजर बनाना शुरू करते हैं। तो आप देख सकते हो आपकी अलमारी में बहुत ही कम स्पेस लगेगा। और आपकी जींस के लिए, टी शर्ट के लिए, ब्लाउज के लिए ऑर्गेनाइजर कैसे तैयार करते हैं, वो भी ब्लाउज के बचे हुए फेब्रिक से या फिर जो हमारे पुराने गाउन्स होते हैं उनसे भी आप इस तरह के ऑर्गेनाइजर बना सकते हैं। तो चलिए इन्हें बनाना शुरू करते हैं। हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। तो चलिए ये ऑर्गेनाइज़र बनाना शुरू करते हैं। क्लॉथ ऑर्गेनाइज़र बनाने के लिए ये देखिए ये मैंने कार्डबोर्ड का डिब्बा लिया है और इसके जो ऊपर के जो ढक्कन वाले पार्ट्स है इसको हम कट करके अलग कर लेते हैं। इनको भी हमें गिराना नहीं, इनको मैं बाद में आपको बताऊँगी कैसे यूज करना है। और इस तरह से ऊपर के पार्ट्स को काट करके पहले अलग कर लेते हैं और साइड्स के जो पार्ट्स है उसको भी आप कट करके निकाल सकते हो।
तो इसको भी हम निकालेंगे। इसमें से क्या है, इससे बनाने से एक तो आपके जो वेस्ट कपड़े हैं वो यूज हो जाएंगे, और कपड़े रखने के लिए आपकी अलमारी में बहुत सारा स्पेस ये कवर हो जाएगा। बहुत ही कम स्पेस में आपके बहुत सारे कपड़े यहाँ पे इसके अंदर आ जाते हैं। तो ये देख सकते हैं, ये जो पुराना गाउन था मैं इसका इस्तेमाल कर रही हूँ, तो इससे भी बहुत अच्छी तरह से बन जाता है। बिल्कुल भी सुई धागे की भी यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बिना सुई धागे के आप ऑर्गेनाइज़र कैसे बनाएं, तो देख सकते हैं आप इस तरह से पहले इसके अंदर डाल देंगे और डिब्बे को डाल करके सिलाई का एक साइड नीचे की तरफ रख देंगे और सिलाई का दूसरी साइड ऊपर बीच में आ जाएगा। तो इस तरह के आपके कॉटन के गाउन या लाइलैक्स के जो गाउन होते हैं ना, उनका भी आप यूज करके बना सकते हो। अब साइड से इसको सही से करके और फिर साइड इसकी फोल्ड करनी है। कैसे फोल्ड करनी है, वीडियो को अच्छी तरह से देखिएगा। हमारी वीडियो आपको थोड़ी भी पसंद आए तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो देखिए, पहले इस तरह से थोड़ा सा आप इसको दोनों को सेट करके और एक आल पिन्स लगा दीजिए। आप चाहे तो सुई धागे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर मैं यहाँ पे सिर्फ आल पिन का इस्तेमाल करूँगी, और वो भी कपड़े डालने के बाद आल पिन्स को हम निकाल देंगे। तो इस तरह से आपको देखिए, जैसे मैंने वन साइड सेट किया है ना, उसी तरह से दूसरी साइड को भी सेट कर लेना है, और ऊपर में आपको पिंस लगा देनी है। तो एक बार हम इसको ऐसे ही पिंस लगा देते हैं, और उसके बाद सारे कपड़े डालने के बाद हम पिंस को जो हटा लेंगे। और इसको आप कपड़े को जब मेला हो जाए तो इसको आप धो भी सकते हो खोल करके, और वापस से इसके अंदर आप अपने कपड़े सेफ्टी से रख सकते हो, जो कि आपकी अलमारी में बहुत ही कम स्पेस लेगी और खूब सारे कपड़े इसके अंदर आ जाएंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने इस तरह से इसकी एक साइड को कवर कर लिया है, और इसी तरह से मैं दूसरी साइड को भी ऐसे कवर कर लेती हूँ। तब चाहे तो इसको सुई धागे से थोड़ा सा फिक्स कर सकते हो, नहीं तो आप इसको ऐसे ही आलपिंस से एक बार फिक्स कर लीजिए, और कपड़े डालने के बाद तो ये ही लेगी भी नहीं। आप ऐसे ही इसको आलपिंस निकाल करके भी अपनी अलमारी में रख सकते हैं। तो थोड़ा सा खींच करके लेना है और इसकी साइड्स को बिल्कुल बराबर कर देना है। तो आप देख सकते हैं मैंने थोड़ा खींच करके लिया और इसकी साइड्स को है ना बिल्कुल बराबर कर दिया है। तो एक तो मेरा पुराना गाउन भी यूज हो गया, और जो कि फट चुका था, और इससे आपका ऑर्गेनाइज़र बहुत ही खूबसूरत सा बन जाता। अब जो हमने ऊपर का पार्ट्स निकाला था उसको हमने इस तरह से बीच में लगा देना है, ताकि आपके कपड़े आसानी से इसके अंदर आ जाए। अब मैं इसके अंदर जींस रखने वाली हूँ, क्योंकि खूब सारे जींस और बहुत सारी जगह गिरती है, और जब कलर निकालना होता है तो वो मिलती नहीं है, नीचे ऊपर हो जाती है। तो इसलिए इसके अंदर से आपको कपड़े निकालने में भी बहुत आसानी होगी, और रखने में भी आपकी अलमारी में बहुत कम जगह लगेगी। तो इसी तरह से सारी जो जींस है वो मैं इसके अंदर डाल देती हूँ, और उसके बाद हम बनाएंगे टी शर्ट के लिए ऑर्गेनाइज़र और ब्लाउज के लिए ऑर्गेनाइज़र। तो वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो ध्यान से देखिएगा, और बिना सुई धागे के आप इस तरह के ऑर्गेनाइज़र बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है ये ऑर्गेनाइज़र, जो कि मैंने गाउन से बनाया। तो आप देख सकते हो कितना खूबसूरत बन करके रेडी हुआ है, और इसमें छः से सात पीस जो है ना आराम से, जींस जो बड़ी बड़ी होती है वो आराम से आ जाती है। तो सात पीस तो मैंने डाल दिया है, और सात पीस आप पता है जींस कितनी जगह कवर करती है आपकी अलमारी में, और यदि थोड़ी सी जगह में और यहाँ पे सेट हो चुकी है। तो चलिए अब टी शर्ट के लिए बनाना शुरू करते हैं, और वो भी पुराने ब्लाउज पीस है, जो ब्लाउज के पीस होते हैं जिससे हम ब्लाउज नहीं बनाते हैं, तो उनको फेंकने की बजाय आप इस तरह से काम ले। ये मैंने जूते का बॉक्स लिया है, और इसके बी साइड कॉर्नर्स जो है ना वो कट करके हम निकाल देंगे। तो इसके जो पार्ट्स हैं ना, आप उनको इस तरह से कट करके निकाल दें। इसको भी हमें गिराना नहीं है, बाद में हम इसका भी यूज कर लेंगे। तो इस तरह से डब्बे को आपको इस साइड को छोटी छोटी साइड्स है उसको भी कट करके हटा देना है, और सिर्फ डिब्बा रखना है। उसके बाद जो भी आपके पास ब्लाउज पीस बचा हुआ वो आप ले लीजिए। मैंने इसको ब्लाउज को डबल कर लिया, और इसके बाद इसको इस तरह से फोल्ड कर लेंगे, जैसे कि हमने गाउन को फोल्ड किया था ना वैसे ही। थोड़ा सा टाइट लेंगे और खींच करके लेने के बाद आप इसको इस तरह से सेट कर लीजिए। एकदम सिंपल सा तरीका है, बहुत ही आसानी से हम अपने घर पे ही बना सकते हैं। साइड्स को लेते समय आप ध्यान रखिए, इस तरह से आपको खींच करके लेना है, और बिल्कुल बराबर ले करके आपको आल पिंस एक बार लगा देनी है।
उसके बाद आप अलपिंस को निकाल सकते हैं। जब आप कपड़े अंदर डाल दें तो ये एकदम से फिट रहता है। नीचे का जो इसका बेस होता है ना, वो लगाने के बाद में जो गत्ते का बेस हमने ऊपर से निकाला है उसी को हम नीचे लगा देंगे तो ये एकदम से कंट्रोल भी हो जाता है और इसके अंदर कपड़े भी आपके बहुत आसानी से आ जाते हैं। बहुत सारे टी शर्ट है ना छोटे से डिब्बे के अंदर आ जाती है। तो आप देख सकते हो मैंने इसकी साइड्स को फिनिशिंग कर लिया है और थोड़ा सा खींच करके एकदम से टाइट ले लिया है ताकि ये लूज ना हो। और ये पड़ा भी डब्बा अलमारी के अंदर बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो इस तरह से दोनों साइड्स बराबर कर लेंगे और इसी तरह से आपको सामने वाली दूसरी वाली जो साइड्स है ना उसको भी आपको टाइट खींच करके और बराबर कर देना है। तो ये ऑर्गेनाइज़र तो है ना बहुत ही आसानी से घर पे बनाए जा सकते हैं। हम देख सकते हैं आप मैंने इनको कितनी खूबसूरती से जो ब्लाउज पीस बचे हुए होते हैं उनका यूज करके बना लिया है। और बिल्कुल भी एक भी रुपया खर्चा करने की आपको किसी चीज़ पे ज़रूरत नहीं पड़ती है। अपने पुराने कपड़ों को हम यूज करके और घर के बहुत सारी चीज़ें बहुत सारे पैसे बचा सकते हैं। तो ये लीजिए मैंने चार ना अलपिंस लगाई है इसके अंदर और जैसे ही मैं इसके अंदर टी शर्ट डालूंगी उसके बाद अलपिंस को हटा दूंगी। अब इसके जो बीच में हमने जो निकाला था ना उसी को हम इसके बीच में ऐसे डाल देंगे। इसको आप नीचे तक डाल दीजिए। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत सा ऑर्गेनाइजर बन गया ना। अब इसके अंदर हम अपनी सारी टी शर्ट डाल देंगे, जितनी हमारे जींस के ऊपर पहनने वाली बच्चों की टी शर्ट है वो सारी इसके अंदर डाल देंगे। तो देखिए किस तरह से टी शर्ट के लिए ऑर्गेनाइज़र हमारा तैयार हो गया है। तो आप देख सकते हैं और ये अलमारी में बहुत ही कम जगह रोक लेता है। अब हम बनाएंगे ब्लाउज़ के लिए। तो ये मैंने लिया है जो अपनी पिल्लो कवर का पिल्लो वाला कवर होता है ना वो वाला। तो ये एक्स्ट्रा पड़ा था मेरे पास में, नया ही था तो मैंने सोचा कि इसका यूज करके हम अपने ब्लाउज़ के लिए बना लेते हैं। तो सेम वैसे ही तरह से फोल्ड करना, आपको टाइट खींच करके चारों तरफ से इसको फोल्ड कर देना है। तो मैं इसको अंदर की ओर फोल्ड कर रही हूँ और ऊपर में खुली सिफ्टी पिन लगा रही हूँ। तो ऊपर की साइड को इस तरह से पहले आपको फोल्ड कर लेना है क्योंकि ये थोड़ी बड़ी है और हमारा जो बॉक्स है वो थोड़ा छोटा है तो इसलिए आपको चारों साइड से इसको कवर करना होगा। तब इस तरह से मोड़ करके मैं इसे और अंदर की ओर फोल्ड कर दूंगी। अगर आप चाहे तो इसको नीचे की तरफ भी फोल्ड कर सकते हैं, ये नीचे भी आराम से फोल्ड हो जाता है। तो ये देखिए ऐसे डाल करके आप ऊपर से बराबर फिट करके और नीचे की तरफ में आप इसके पिंस लगा सकते हैं या आप चाहे तो सुई धागे से टांका भी लगा सकते हैं। कच्चा टांका लगा दीजिए, जब आपको खोलना हो तब आप खोल सकते हैं। तो ये देखिए ब्लाउज़ के लिए हमारा ऑर्गेनाइज़र बन करके रेडी हो गया है। वीडियो आपको कैसे लगे हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमने अपनी आपके साथ बहुत सारे ऑर्गेनाइज़र की वीडियो शेयर की हैं और वीडियो अच्छी लगे तो आप देख सकते हो थोड़ी सी जगह में एक तो बिखरी हुई है हमारे ब्लाउज पीस पड़े रहते हैं, ब्लाउज पड़े रहते हैं, एक हमारे इस तरह से ऑर्गेनाइज़र में रहते हैं।